Welcome back for the next module. While coming into this room, my daughter asked me, "Papa, कहाँ जा रहे हो?" तो मैंने कहा, "मैं शूटिंग में जा रहा हूँ." Anyway, बचपन में एक ऐसा दिल में आता था कि पूछते थे कि भाई आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं उनको बोलता था कि मुझे हीरो बनना है करके, राइट? ठीक है, वो शूटिंग तो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ करोना वायरस एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन कोचिंग, शूटिंग तो चल रहा है, राइट? एनीवे, वेलकम बैक. नाउ हियर, लास्ट मॉड्यूल में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे. विल जस्ट फाइंड आउट क्या क्या टॉपिक्स हमने किए थे और आज हमको क्या करना है, राइट? कल के टॉपिक में हमने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स देन यहाँ तक किया था, है ना? देन टुडे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पीजीटी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, 30-60-90 प्रॉपर्टी एंड 45-45-90 प्रॉपर्टी, ये कुछ टॉपिक हमको आज करना है, राइट? रिमेंबर चिल्ड्रन, हम अभी सिर्फ थियोरी पार्ट कर रहे हैं, मतलब जो टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ उतना ही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ. मैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अभी तक हमने किया नहीं है, राइट? सो जैसे ही वी फिनिश ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक, थियोरेटिकल टॉपिक, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो न्यूमेरिकल्स करते समय अगर आपका अच्छे से रिविजन हो चुका है, जैसे what is the ratio of areas of two triangles, then ratio of areas of two similar triangles, right? What is BPT? अगर ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, then उसको apply करना है. So when we discuss this numericals, then it will be just like revision of what we have done earlier and application of that, right? So you can correlate. इसीलिए I advise you कि जब भी आपके दिल में आ जाए तो ये जो मॉड्यूल्स हमने पहले किए हुए हैं, तो वो मॉड्यूल्स को, आई थिंक टुडे वी आर गोइंग द फिफ्थ मॉड्यूल, तो इसके पहले के चार मॉड्यूल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे, तो ये कंसेप्ट्स एक बार अच्छे से कर लेंगे, देन वी कैन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, राइट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट? ना ये राइट एंगल ट्राइंगल्स आर वंस अगेन ट्राइंगल्स ओनली, राइट? तो उसमें कुछ अलग कुछ है क्या? नहीं है. But simply, since right angle triangle, one angle is 90, right? Then, उसके similarities के इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा extra हम कुछ properties पढ़ने जा रहे हैं, right? Say, if two right angle triangles are given, right? Say, this is something like this. मैंने जानबूझ के थोड़ा triangle को टेढ़ा बनाया है. यहाँ पे दिस एंगल इज 90, सो दिस ट्राइंगल इज ए बी सी एंड दिस ट्राइंगल, कुछ हम नाम ले लेंगे इसको एम एन ओ, राइट? एंड सपोज इट इज गिवन, ये दिया हुआ है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम, राइट? नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर सच दैट टू एंगल्स of this triangle and two angles of this triangle, they are equal, they are congruent, right? So definitely they will be similar to each other by AA test of similarity, है ना बेटा? So लिखते समय हमको कैसे लिखना है, that is very important, because यहाँ पे since we deal with congruence of triangles, similarity of triangles, वहाँ पे the order in which you are writing the triangle, right? The naming of the triangle plays a very important role, right? तो इसका नाम हम कैसे भी लिखेंगे, randomly लिख लेंगे हम, I'll write this thing as triangle ABC, right? Is similar to triangle, ये जो triangle है, is similar to this triangle, by which test, this is AA test, because two angles of this triangle, two angles, but यहाँ पे B is 90, and here in this triangle, N is 90, अब B यहाँ पे बीच में आया है, इसका मतलब n बीच में आना चाहिए, तो आई विल राइट n हियर, मतलब b करस्पॉन्ड्स टू n, बिकॉज b इज 90, n इज ऑल्सो 90. नाउ इन दिस ट्राइंगल c इज इक्वल टू, मतलब एंगल c ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एंगल m ऑफ दिस ट्राइंगल, दे आर इक्वल. तो c का पोजीशन यहां पे कहां पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे है, तो यहां पे
फर्स्ट पोजीशन हमने कुछ लिखा नहीं है, सेकंड पोजीशन पे एन है राइट, और थर्ड पोजीशन दैट मीन सी करेस्पॉन्ड्स टू एम, तो सी जहां पे लिखेगा वहां पे हम एम लिखेंगे। अब बचा हुआ कौन है इसमें, दिस ओ। सो इन दैट केस ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एन एम। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से हियर, कि करेस्पॉन्डेंस जो है we have to maintain that correspondence, we have to take care of that correspondence, matlab jab likhte samay make sure that if I write change the name of this triangle, say agar main ye triangle ka naam change karun matlab BAC suppose, will be similar to triangle. Now here in this triangle B is 90, here in this triangle N is 90, B yahan pe pehle point pe position pe hai to humko yahan pe N pehle position pe hona chahiye. Then C and M are equal, right? तो यहाँ पे C last में है, तो last में मैं क्या लिखूँगा? C की जगह पे M. This is M. Now here बचा हुआ कौन है अपने पास? A corresponds to O, so N O M. Now आप बोलेंगे कि यार ये triangle का similarity और ये triangles का similarity में क्या फर्क है? करके nothing, no nothing difference, no difference actually. The name of the triangles. सपोज मैं इसका नाम चेंज करूं तो ऑटोमेटिकली इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज उनको करेस्पॉन्डेंस मेंटेन करना है राइट। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। जस्ट इमेजिन कि वी गॉट अ रैंडम ट्रायंगल, से ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इज 90 राइट। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूस, अभी हाइपोटेन्यूस कौन है, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज राइट। अगर मैं हाइपोटेन्यूस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं फ्रॉम द वर्टेक्स 90 डिग्रीज, आई विल नेम दिस पॉइंट एज डी। सो सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, तो इन ऑल ये पूरे फिगर में वी हैव गॉट सम थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया बी डी ए, दूसरा तीसरा हो गया बी डी सी, सो वी गॉट थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, नॉट थ्योरम ऑल्सो, इट इज अ कंसेप्ट राइट, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूस, सो वी गेट टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, दीज टू राइट एंगल ट्रायंगल्स they are similar to the bigger right angle triangle, the original right angle triangle, and they are similar to each other. कहने का मतलब है कि अगर हम एक hypotenuse के ऊपर perpendicular draw करते हैं तो हमको तीन right angle triangles मिलते हैं, एक दो छोटे वाले और एक बड़ा वाला right? तो according to this concept ये दोनों right angle triangles बड़े right angle triangle को similar होंगे, and hence दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे राइट। तो ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी राइट। सो हम लिखेंगे यहां पे लिखते समय इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, जो हमको प्रूव करना है कि ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल और छोटे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से सिमिलर है, इसीलिए ये दोनों भी एक दूसरे से सिमिलर होंगे राइट। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, नाउ इन दिस बिग ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 और ये छोटे ट्राइंगल में एंगल डी इज 90 राइट, ईच 90 डिग्रीज राइट। बड़े ट्राइंगल का एंगल ए दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का एंगल ए, कॉमन एंगल है राइट, सो वी कैन हैव कॉमन एंगल। सो बड़े ट्राइंगल की दो एंगल्स एंड छोटे ट्राइंगल्स के दो एंगल्स दे आर इक्वल, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर by AA test of similarity, therefore we can see. Now remember one thing, now the order has to be very important right,
तो बड़ा ट्रायंगल मैं लिखता हूँ एबीसी, सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ना इसका बड़े ट्रायंगल का एंगल ए और छोटे ट्रायंगल का एंगल ए इज कॉमन, ए एंड ए, सो ए की जगह पे मैं ए लिखूंगा। बी इज 90, बड़े ट्रायंगल का बी इज 90, छोटे ट्रायंगल का एंगल डी इज 90, आई विल राइट इट एज एंगल डी। तो ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे थे ए बी डी, उसमें बचा ए हो गया है, डी हो गया है, बचा हुआ कौन सा है बी। बाय ए ए टेस्ट ऑफ कॉन्वर्स, सॉरी सिमिलैरिटी, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझ में आ रहा है? रुकसार, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, राइट? पे अटेंशन। सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। नाउ छोटा ट्रायंगल, दूसरा छोटा ट्रायंगल और वही बड़ा ट्रायंगल, सो आई विल नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द बिगर ट्रायंगल, आई विल सिंपली राइट इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एंड ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का नाम आई कैन राइट बीडीसी, आई कैन राइट सीडीबी एंड ऑल दिस थिंग्स, बट मुझे लिखना है इसको बीडीसी, क्योंकि यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं बड़े ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, राइट? यहां पे ऑर्डर अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन नहीं मालूम है तो यू कैन राइट इन एनी ऑर्डर, बट व्हाइल राइटिंग व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जैसे मैंने देखा था बड़े ट्रायंगल का एंगल ए और छोटे ट्रायंगल का एंगल ए वाज इक्वल, बड़े ट्रायंगल का एंगल बी, छोटे ट्रायंगल का एंगल डी, दे आर इक्वल, राइट? वैसे ही बड़े ट्रायंगल का एंगल सी और छोटे ट्रायंगल का एंगल सी, ये जो है कॉमन है, राइट? सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल। बड़े ट्रायंगल का एंगल बी, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल में एंगल डी इज 90, है ना बेटा? एंगल डी इज 90, तो दिस इज ईच 90 डिग्रीज। तो दो ट्रायंगल, सॉरी दो angles of the bigger triangle and two angles of the smaller triangle, they are equal, therefore the two triangles are similar by AA test. Now, मैंने first case में I have written triangle ABC similar triangle ADB, तो मैं जब second triangle के लिए लूंगा, तो first triangle में जो बड़ा triangle लिया था, उसका मैंने order क्या लिया था? Triangle ABC. All right, triangle ABC is similar to triangle. Now here We know nothing about angle A, but angle C and angle C दोनों ट्रायंगल के, तो यहाँ पे एंगल सी लास्ट में है, तो इसका भी लास्ट में एंगल सी आएगा। बड़े ट्रायंगल का एंगल बी इज 90, छोटे ट्रायंगल का एंगल डी इज 90, और यहाँ पे बी बीच में है, तो डी भी बीच में होगा, राइट? इसमें डी आ गया है, सी आ गया है, तो बचा हुआ कौन सा है? बी। सो आई विल राइट दिस थिंग एज बी। सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी by AA test. Now you can easily conclude, is the first statement, let it be equation number 1. Abhi humne second statement likha hua hai, this is equation number 2. So what can you conclude from equation number 1 and equation number 2? From equation number 1, ABC is similar to ADB and the same ABC is similar to triangle BDC. मतलब ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को सिमिलर है, ये छोटा दूसरा छोटा ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल, देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इज द ऑर्डर, इसीलिए मैंने बड़े ट्रायंगल का ऑर्डर चेंज नहीं किया, एबीसी एबीसी, छोटे ट्रायंगल उसी ऑर्डर में रहेंगे अभी। नाउ व्हिच टू स्मॉलर ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, दिस वन एंड दिस वन विद द सेम ऑर्डर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम equation 1 and 2, first equation or second equation, say we can conclude that triangle BDC hai na, triangle, sorry, not BDC, yahan pe hai ADB, sorry ADB, ABC is similar to ADB, ABC is similar to BDC, right? So ABC similar to ADB and ABC similar to BDC, therefore ADB similar to triangle BD.
ABC. And both these triangles are similar to triangle ABC. Right? So generally, this question comes either to prove, right? Now here, ये प्रूव करने से हमको ये समझ में आ गया कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमको दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलते हैं. तो ये दोनों छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स दे आर सिमिलर टू द बिगर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर. नाउ हियर बिकॉज यहाँ पे हमको ऑर्डर जो है एवरी टाइम हम ये पूरा प्रूव थोड़ी करते बैठेंगे, है ना. हमको कुछ तो भी एक ट्रिक समझना पड़ेगा जिससे हम ये पता कर सकें कि भाई किस ऑर्डर में हमको लेना है, राइट. आई जस्ट टेल यू द ट्रिक. नाउ बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, राइट. तो हमने लिखा है पहले ट्रायंगल का नाम ए बी सी से शुरू किया है, तो छोटे ट्रायंगल का नाम भी हम वहीं से शुरू करेंगे, ए, राइट. ए बी B, that means ABC is similar to triangle ADB. मतलब ये तो हमको याद रहेगा क्योंकि A is common, B 90 है तो DB 90 है, right? तो ABC is similar to triangle ADB. Is similar to, हम यहाँ तक आ गए थे BDC. समझ में आ गया? एक example और एक ले लेते हैं. See, this is MNO. और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इसको ने नाम दिया है R, राइट. और ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो MNO इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड NR इज परपेंडिकुलर टू MO, राइट. सपोज हमको दिखाना है कि दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो किस ऑर्डर में लोगे. मैं बड़ा ट्रायंगल का नाम लिया मैंने MNO. MNO इज सिमिलर टू MRN, सिमिलर टू NRO. समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल लेंगे. सो दिस इज PQR, दिस इज PQR, ये 90 डिग्रीज है, ये परपेंडिकुलर है. सपोज यहां पे मैंने नाम दिया O. सो यू स्टार्ट विद एनी ऑफ द थिंग, है ना. बड़े ट्रायंगल का नाम लेंगे हम RPQ, सिमिलर टू ROP, सिमिलर टू POQ. समझ में आ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम में ये सब थोड़ी करेंगे हम, है ना. हमको तो ऑर्डर समटाइम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड. हमको इट इज अंडरस्टूड दैट द राइट एंगल ट्रायंगल सो फॉर्म हियर दे आर सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन हमको ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है, राइट. सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनके साइज भी प्रोपोर्शन में रहेंगे, राइट. सो एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि द हाइपोटेन्यूस के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स फॉर्मड ऑन द हाइपोटेन्यूस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? से PQR इज एनी राइट एंगल ट्राइंगल. PQR कोई तो भी राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा. और हमने इसके परपेंडिकुलर के ऊपर हमने एक इसके हाइपोटेन्यूस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. I'll say name it as QT. Now, question ये पूछते हैं वो लोग कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, QT is perpendicular to PR, then prove that QT square is equal to PT into TR. QT square is equal to PT into TR. In some syllabus, this property is known as geometric mean property. Geometric mean property. Why it is called as geometric mean property? Suppose हमारे पास तीन numbers हैं A, B, C. A, B, C ऐसे तीन numbers हैं, right? If the square of the middle one, that is B square, is equal to product of the extremes, that is A into C, then B is called as a geometric mean between A and C. वैसे ही यहाँ पे QT square is equal to PT into TR. So यहाँ पे हमारे पास तीन सेगमेंट्स हैं QT, PT and TR. QT का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ PT into TR. ये हमको प्रूव करना है. We'll prove it now. Therefore, QT is known as the geometric mean between PT and TR. Right? तो ये हमको प्रूव करना है. तो
आई मेड यू क्लियर कि भाई ज्योमेट्रिक मीन क्यों बोलते हैं, बट इन सीबीएसई सिलेबस दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड, ज्योमेट्रिक मीन। बट सिंस आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है, तो यू शुड बी एक्वेंटेड विथ ऑल द वर्ड्स, ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर सीबीएसई सिलेबस कि ज्योमेट्रिक मीन एंड ऑल दिस थिंग्स, बट स्टेट बोर्ड के लिए दिस वर्ड इज यूज्ड, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। तो व्हाट आई सजेस्ट फॉर द सीबीएसई पीपल इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस, व्हाट यू कैन से मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यू मे नॉट यूज इट व्हाइल राइटिंग इन अ पेपर, राइट। सो यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि PQR is a right angle triangle, QT is perpendicular to PR, तो QT square is equal to PT into TR, and we are going to use the property which we have just studied, that the perpendicular drawn to the hypotenuse divides this right angle triangle into two right angle triangles which are similar to each other as well as they are similar to the bigger right angle triangle, right? So हम directly use कर लेते हैं यह property, we'll once again we're not prove all those things, right? हम लिखेंगे triangle, ये छोटा triangle is similar to this छोटा triangle, अभी order कैसे याद रखेंगे हम, PTQ similar to QTR, मतलब PTQ, Q तो बंद किया हमने, QTR, right? So PTQ similar to triangle QTR, all right? Now when two triangles are similar, their sides are in proportion, right? So can we write PT upon QT is equal to TQ upon TR is equal to PQ upon QR? Am I right? Reason kya rahega iska? These are corresponding sides of similar triangle. CSST ka meaning hai corresponding sides of similar triangle, right? Now, वो हमको क्या चाहिए भाई? QT square चाहिए। QT कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे QT है, एक QT दिख रहा है, है ना? PTQ similar to QTR. QT इधर भी है, QT इधर भी, don't get confused, right? मैंने यहाँ पे लिखा है QT और यहाँ पे लिखा है TQ, meaning is same. तो हम क्या करेंगे? ये दो ratios लेंगे. So TQ into TQ is TQ square या QT into QT is QT square. So considering these two ratios, that is PT upon QT is equal to, so TQ को मैं QT लिख सकता हूँ, don't get confused, right? Upon TR, so QT into QT, that is QT square is equal to PT into TR, PT into TR. Alright, समझ में आया? Alright. So this is one property. Next, हमको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द एडिशन, द सम ऑफ द रिमेनिंग two sides ka squares, right? Say ABC is a right angle triangle, right angle at B, and this is the hypotenuse. To sabse pehle Pythagoras theorem kya bolta hai wo dekh lenge, and then uske baad mein kaise prove karna hai. Proof is damn easy, right? You will love the proof. In fact, it is said that there are more than 35 proofs of Pythagoras theorem, of which आर्यभट्ट ने 8 प्रूफ निकाले थे, राइट? रामानुज, ही हैज यूज्ड सम प्रॉपर्टीज एंड ही हैज प्रूव्ड दिस पाइथागोरस थ्योरम इन हिज ओन वे। एंड रिसेंटली आई हैव सीन इन संगम ने, आई वेंट टू संगम ने, तो वहां पे उनके पास एक चेन था, राइट? सम चेन्स विद डिफरेंट लेंथ एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? एंड दे यूज द सेम पाइथागोरस थ्योरम इन देयर ओन वे। आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट वे, आई ट्राई टू, बट स्टिल they could not make me understand, or I was not able to understand those things. Anyway, लेकिन similarity is one way of proving Pythagoras theorem. Now here, हमको prove क्या करना है? सबसे पहले Pythagoras theorem बोलता क्या है, right? Pythagoras theorem बोलता है कि in a right angle triangle, the hypotenuse, square of the hypotenuse
that is AC square, is equal to sum of the squares of the remaining two sides. बचे हुए दोनों sides के square का addition, that is AB square plus BC square. ये हमको prove करना है. This we have to prove. Right? हम यूज कर रहे हैं, बचपन से यूज करते आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को, लेकिन टेंथ में आने के बाद में हमको इसका प्रूफ करना पूछा जाएगा. एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं. राइट, कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जो आंख बंद करके आप लोगों को आ जाने चाहिए, जिसमें एक बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट, देन पाइथागोरस थ्योरम, converse of Pythagoras theorem. Then based on this, we have got certain other properties, that is like Apollonius theorem hai, right? Application of Pythagoras theorem for acute angles and obtuse angle. तो ये कुछ कुछ अच्छी मतलब समझदारी बात लगती है हमको. In a sense, not समझदारी, actually exciting वाली, कि Pythagoras theorem for acute angle triangles and obtuse angle triangle. Awkward लगता है सुनने में, लेकिन we have got an application for that also. And based on that, we have got an Apollonius theorem, जो state board को है, लेकिन syllabus में और CBSE के बच्चों को नहीं है. But हमको पढ़ना जरूरी है, कि not as a theorem or as a property, but as a numerical, हम उसको numerical treat करेंगे. Agreed? Right. तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए एक छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. द कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन टू द हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. आई विल कॉल दिस पॉइंट एज डी. पॉइंट डी. नाउ हियर आपको क्या याद रखना है, जो हमने भी पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कि अगर हाइपोटेन्यूस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमको दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखते हैं. ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं, ये बड़े ट्राइंगल को सिमिलर हैं और आपस में भी एक दूसरे को सिमिलर हैं. ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है इसी मॉड्यूल में. राइट, तो आपको प्रॉपर्टी में क्या लेना है इसको प्रूव करने के लिए. सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे. नॉट प्रूव करेंगे, हमको मालूम है ये प्रूव सिमिलर है. हम विल टेक दिस एज अ स्टेटमेंट. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, राइट, यू आर प्रूविंग इट नाउ वंस अगेन. सो एंगल सॉरी ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए ऑफ ट्राइंगल ए डी बी. द रीजन इज कॉमन एंगल. This is common angle. Right? बड़े ट्राइंगल का एंगल बी एंड छोटे ट्राइंगल का एंगल डी ईच 90. Therefore, these two triangles are similar. Right? Therefore, triangle ABC is similar to triangle ADB. By a test of similarity. If these two triangles are similar, then the corresponding sides are in proportion. So can we write AB, AB upon AD is equal to BC upon DB, को मैं BD लिखूंगा, is equal to AC upon AB. यहां पर रीजन लिखेंगे हम, corresponding sides of similar triangles. समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? Right. Now just look at this one. What we want AB square. यहाँ पे AB square कहाँ मिलेगा हमको? ये पहला रेशियो और लास्ट रेशियो देखो. यहाँ पे भी AB upon AD है और यहाँ पे AC upon AB है. Of course this is true, but we don't require this one. तो हम क्या करेंगे? पहला वाला और लास्ट रेशियो ले लेंगे हम. So I'll write this thing as AB into AB is AB square. Is equal to AC into AD. I'll name this as equation number 1. Right? So AB square is equal to AC into AD. अभी क्या करेंगे?
बड़ा ट्राइंगल सिमिलर टू दिस छोटा ट्राइंगल, जैसे हमने ये प्रोसीजर किया है वैसे ही प्रोसीजर वापस वहां पे करेंगे फॉर द बिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड द स्मॉलर ट्राइंगल बी डी सी. तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी. बड़े ट्राइंगल का एंगल सी और छोटे ट्राइंगल का एंगल सी कॉमन एंगल. बड़े ट्राइंगल में एंगल बी इज 90, छोटे ट्राइंगल में एंगल डी इज 90, राइट? सो ईच 90. देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एए टेस्ट सेम एज दिस वन. तो ऑर्डर हमको मालूम है. तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी by AA test of similarity. When two triangles are similar, the sides are in proportion. So can we write AB upon BD is equal to BC upon DC, I'll write it as CD, ABCD is equal to AC upon BC. यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे corresponding sides of similar triangle CSST. Am I right? Now we want AB square मिल गया हमको, BC square चाहिए. तो BC square कैसे मिलेगा हमको? Second ratio and third ratio, right? तो BC into BC is BC square is equal to AC into CD, right? Now this is equation number two. This is equation number two. अच्छा, what do you expect now? हमारे पास AB square मिल गया है, BC square मिल गया है. हमको RHS क्या चाहिए? AB square plus BC square. So adding equation number 1 and equation number 2. So we'll write here, adding equation 1 and 2. Equation number 1 or 2 को add करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? AB square, left hand side में AB square plus BC square. मतलब AB square plus BC square is equal to AB square is nothing but it is AC into AD. AC into AD plus यहाँ पे AC into CD. AC into CD. ना यार इसके बाद भी simple algebra. AC इधर भी है, AC इधर भी है. Can we take AC common? So inside we'll have AD plus CD. AC into. Now what is AD plus CD? AD plus CD is AC. AC यहाँ पे आ गया, AC into AC is AC square, so AB square plus BC square is equal to AC square. Now this thing is known as Pythagoras theorem. So कोई भी right angle triangle में the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, right? Proof is very easy. एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर, विल प्रूव दैट द बिगर ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस वन. इससे हमको ये स्टेटमेंट मिलेगा, द बिगर ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस वन, हमको ये स्टेटमेंट मिलेगा. एडिंग दीस टू इक्वेशंस वी गेट द गिवन रिजल्ट्स. ऑलराइट, सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. विल स्टॉप इट हियर. आई थॉट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉनवर्स ऑल्सो एंड 30, 60, 19, 48, 45, 90 प्रॉपर्टी, बट मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं मोर देन हाफ एन आवर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू बेयर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, राइट? मेनी पीपल दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हेंस दे फाइंड इट बोरिंग ऑल्सो. बट द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, यू विल फाइंड दैट दीज आर द टू इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, राइट? ऑफकोर्स ये टीचर्स के ऊपर भी रहता है कि हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बट सिंस आई फील आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद जोक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, सो जस्ट बेयर विद मी, राइट? एनीवे, बाय.